अस्सलाम वालेकुम रफी के जाके मैं आप सभी को खुशामदी। मटन में आज हम आपको एक इतना आसान चीज बताएंगे कि आप बनाएंगे तबीयत खुश हो जाएगा। ये हमारी अपनी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल है बनाना। नमकीन गोश्त बोलते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा मटन। मटन हमने ले लिया है 500 ग्राम, तो हड्डी वाला मिक्स लिया है और रवाज वाला गोश्त भी है, चर्बी वगैरह मिक्स है सब। सीना का है, चाप भी है, गोश्त आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो गैस हमने कुकर रख दिया है, जल्दी गलाना है, तो जल्दी गलाने के लिए हमें कुकर में ही पकाना होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके अंदर घी डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप घी डालें या ऑयल डालें। 2 इलायची डाल देंगे, 1/2 चक्री फूल डाल देंगे, 3 लौंग डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे तेजपत्ता, दालचीनी लकड़ी, 1 चुटकी जीरा। और जैसे ये चटक जाए प्याज डाल देंगे, 150 ग्राम बस हो गया प्याज। अब थोड़ा सा इसको हल्का 1-2 मिनट तक के हम इसको थोड़ा पका लेंगे। अब डाल देंगे इसके अंदर हम मटन। मटन अब इस वक्त थोड़ा सा हम भून लेंगे, प्याज के साथ पका लेंगे कि जो पानी जो है मटन छोड़ेगा ये पानी सूखते रहेगा, ठीक है, और प्याज भी हमारा थोड़ा गल जाएगा। उसके बाद में हम जब बंद करेंगे तो इसमें एक फायदा ये होता है कि अगर आप पहले से थोड़ा भून लेते हैं तो मटन का जो अच्छा खुशबू होता है खत्म हो जाएगा। नमकीन गोश्त इतना सिंपल है और अगर आप बनाओगे तो उंगलियां चाटेंगे लोग। एक तो इजी है और दूसरी चीज स्वादिष्ट बहुत जबरदस्त होता है। आप वैसे इसके अंदर मिर्ची वगैरह भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सिर्फ ब्लैक पेपर डालेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं डालेंगे। तो इसको 4 से 5 मिनट हो गया है हमें घूमते हुए। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम और भी चीजें डाल देते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल देंगे, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/2 स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा अब इसको हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद पानी डाल देंगे। तो पानी इतना डालेंगे कि बहुत ज्यादा हमें डालने की जरूरत नहीं है, मटन भी बाद में छोड़ेगा जरूर से थोड़ा। तो अब इसको हम 4 सीटी मार देंगे। तो गाइस मटन हमारा पक गया होगा और अब इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं। इसका पानी हम कर लेंगे सेपरेट, इसकी बोटी खाली हम अलग कर लेंगे और कचरा जो भी है वो सब हम निकाल देंगे। जो भी प्याज व्याज बचा है वो सब हमारे किसी काम का नहीं। तो खास कर याद रखें वो पानी हमें फेंकना नहीं है, एक पैन के अंदर हम उसको दोबारा पानी को डाल देंगे, यानी जो उसका वेस्टेज था वो हमने फेंक दिया, अब पानी इसके अंदर डाल दिया। तो अब गैस थोड़ा फास्ट करके इसके पानी को हम थोड़ा जला देंगे, क्योंकि जो टेस्ट है वो इसके पानी के अंदर है। तो पानी बिल्कुल भी आपको नहीं फेंकना है। तो इसका पानी जब भर हो जाएगा तब बाकी की चीज जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे। तो पानी हमारा थोड़ा कम हो गया है, अब हम पीस को डाल देंगे। थोड़ी देर 2-3 मिनट लगेगा और ये तो बाद हम दिखा देंगे। तो गाइस अब देख सकते हैं तेल हमने कितना डाला था, ज्यादा से ज्यादा 3 टेबल स्पून हमने घी डाला था और इसका चर्बी जो पिघला है कितना तेल हो गया। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला थोड़ा खुशबू के लिए। अब इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको दूसरी रेसिपी पसंद भी नहीं आएगी, इतनी लाजवाब इसका टेस्ट होता है, क्योंकि एकदम नेचुरल सिर्फ मटन का टेस्ट आएगा, ना कि दुनिया भर मसाला का। तो अब इसको हम सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा वो घी हम
जो हमारा पैन के अंदर है थोड़ा डाल देंगे ऊपर से, थोड़ा सा ब्लैक पेपर हम और डाल देंगे ऊपर से। इसका जो टेस्ट है वो बहुत लाजवाब होता है। तो रेडी नमकीन मटन, तो इंशाल्लाह ट्राई जरूर करिए। इसी तरह अगर आप नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हमारे चैनल पे जाइए, रेसिपी का नाम लिखे, बाय रफीक लिखिए, इंशाल्लाह सारी रेसिपी आपको दिख जाएगा। आपको स्टार्टर मिलेंगे, नान रोटी पराठा बिरयानी ग्रेवी सभी प्रकार की चीजें, और मिठाई तो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इंशाल्लाह एक बार हमारे चैनल पे विजिट जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।